आपके पास मंथली या फिर ईयर वाइज अलग अलग डेटा है और लास्ट में आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम एक्सेल में वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल ऐसे फंक्शन को देखेंगे और वो है कंसोलिडेट। अभी यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर सेल्स की फिगर है, यहाँ पर फाइनेंशियल 1819, यहाँ पर 1920, यहाँ पर 2021 और यहाँ पर 2122। अभी ये जो डिफरेंट ईयर की सेल्स की फिगर है, इसको मैं यहाँ पर अलग वर्कशीट में यहाँ पर इसकी टोटल करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक एक इज इक्वल टू प्लस प्लस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा। इसके जगह पर हम कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मतलब पूरे ईयर के मंथ वाइज अप्रैल में जून इस तरह से कोई वर्किंग होती है, या फिर कोई अलग डेटा होता है जिसको हमें यहाँ पर लास्ट में प्लस करना होता है। लेकिन कंसोलिडेट लगाते वक्त रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका ये जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, हर ईयर का यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर वो यहाँ पर है तो भी चलेगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। तो अभी देखिए, यहाँ पर मंथ है और यहाँ पर यूनिट है और यहाँ पर सेल्स है और हर जगह पर ये सेम है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर A1 में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर कंसोलिडेट। यहाँ पर फंक्शन में हमें सम करना है, अगर काउंट वगैरह करना है तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सम करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ब्राउज कर देता हूँ, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं 1819 में जाता हूँ और यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर दोबारा एरो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं 1920 में जाता हूँ। अभी ये जो रेंज है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, अगर यहाँ पर कहाँ पर दूसरी जगह पर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी यही रेंज है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद 2021 यहाँ पर रेंज सिलेक्टेड है, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद 2122 यहाँ पर भी रेंज सिलेक्टेड है, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर यूज लेबल्स इन, यहाँ पर टॉप रो और लेफ्ट कॉलम इनको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर यूनिट्स और इन फोर ईयर की जो टोटल है वो यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो है वो डायनेमिक नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर और एक वर्कशीट बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ। यहाँ पर A1 में जाता हूँ, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर कंसोलिडेट। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज कर देता हूँ, यहाँ पर 1819 इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसी तरह से 1920 यहाँ पर ऐड, यहाँ पर 2021 यहाँ पर ऐड, यहाँ पर 2122 और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा इसको भी मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। उसके बाद ओके। अभी यहाँ पर सेम डेटा आ चुका है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका ग्रुप हो चुका है, मतलब यहाँ पर प्लस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये फाइल नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो है वो हमारी एक्सेल शीट है उसका नाम है और यहाँ पर ये फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, अगर 2 पर क्लिक करूंगा तो ये जो है वो पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो डायनेमिक है, मतलब यहाँ पर जाकर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कोई बड़ी अमाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर देखिए ये चेंजेस हो चुके हैं, मतलब ये डायनेमिक है। अभी मैं यहाँ पर 1 पर क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह से आपके पास मंथली या फिर ईयर वाइज अलग अलग डेटा है और लास्ट में आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।